नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फ्रेंड्स मैं आप लोग के साथ में कुछ ऐसे प्लांट शेयर करूंगी जो कि आप बिना धूप के बिना देखभाल के भी इनकी कटिंग लगा सकते हैं। तो वो कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जब मैं ऐसी वीडियो आप लोग के साथ में शेयर करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। सबसे पहले अपने अगर मैं बात करूँ इंडोर प्लांट की और कम देखभाल कम केयर में चलने वाले पौधे की, तो वो हमारा डेबल बैकबोन। आप अगर लगाना चाहते हो तो इनकी छोटी से छोटी कटिंग लेके लगा सकते हैं, इस टाइम पर आसानी से चल जाती है। इनको ना तो ज़्यादा धूप की ना स्पेशल मिट्टी ना ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है और इंडोर के लिए बेस्ट होता है। तो आप अगर लगाना चाहते हैं तो आप इनको ज़रूर लगाइएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्लांट फ्रेंड्स वो है हमारा स्पाइडर प्लांट। ये भी इंडोर प्लांट के लिए बेस्ट माने जाते हैं। अगर लगाना है इनकी कटिंग तो नहीं फिलहाल, इस तरीके से इसमें छोटे छोटे से रनर्स निकलते, देखिए इसमें से एरियल रूट्स बने हुए हैं, तो इन्हीं में से छोटा सा लेके आप लगा सकते हैं। बहुत ही जल्दी से लग जाती है इनकी कटिंग क्योंकि ऑलरेडी इसमें रूट्स होते हैं। तो स्पाइडर प्लांट के लगाने के लिए आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पे छोटा सा पॉट इस वेस्टेज पॉट लिया हुआ है, तो अगर लगाना है तो वेस्टेज में भी लगा सकते हैं, किसी भी चीज़ में ये आसानी से लग जाते हैं। नेक्स्ट प्लांट की फ्रेंड्स बात करूँ तो वो है मनी प्लांट। मनी प्लांट तो बहुत ही आसानी से लग जाते हैं, इसमें भी पहले से ही रूट्स बने हुए होते हैं इस तरीके से, तो इनकी भी कटिंग आसानी से लग जाती है। सिंगल लीव से लगने वाले प्लांट होते हैं, इंडोर के लिए बेस्ट माने जाते हैं, ना ही ज़्यादा धूप ना ही ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है। अगर लगाना है तो आप इनको भी लगा सकते हैं। पानी में भी इसकी कटिंग लग जाती है, सॉइल में भी लग जाती है, किसी भी छोटे से पॉट में या फिर जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स आती हैं उसमें भी इनकी कटिंग लगा सकते हैं। तो आप मनी प्लांट की कोई भी वैरायटी आपके पास हो तो उनको भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है वो है फ्रेंड्स स्नेक प्लांट। तो स्नेक प्लांट को भी कटिंग से हम आसानी से लगा सकते हैं, इंडोर प्लांट में बेस्ट माने जाते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा एयर प्योरीफायर प्लांट माना गया, हवा को शुद्ध करने वाला पौधा माना जाता है स्नेक प्लांट जो होता है। ड्वार्फ वैरायटी हो या टॉल वाली कोई भी वैरायटी हो, आप अगर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। कटिंग से आसानी से लगने वाला प्लांट है। तो आप देख सकते हैं मैंने छोटे से वेस्टेज में लगाया हुआ है, तो आपके पास अगर पॉट या जगह नहीं है तो इस तरीके से छोटे छोटे पॉट में लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट वो फ्रेंड्स चार्ली क्रीपर। ये भी इंडोर प्लांट माने जाते हैं, हैंगिंग प्लांट है ये। तो आप अगर लगाना चाहते हैं तो इसकी भी कटिंग छोटी से छोटी कटिंग लेके लगा सकते हैं, इसमें एरियल रूट्स बने हुए होते हैं, जिनको भी लगाना ना भूलें। कम केयर कम जगह में चलने वाले ये पौधे होते हैं, तो इन्हें भी लगा लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है, नेक्स्ट प्लांट फ्रेंड्स वो है ड्रेसिना। तो ड्रेसिना की कटिंग आप लगा सकते हैं, देखिए मैंने छोटी सी कटिंग लगाई हुई है, आराम से ये लग गई है। तो आप ड्रेसिना की कटिंग लगा सकते हैं, इंडोर प्लांट की है ये और बिल्कुल कम केयर कम जगह में चलने वाले ये पौधे होते हैं। नेक्स्ट प्लांट की बात करूँ तो वो है जेट प्लांट। जेट प्लांट को भी आप कटिंग से लगा सकते हैं, छोटी सी छोटी कटिंग आसानी से ये लग जाती है और धूप की तो बिल्कुल भी नीड नहीं होती है इनको, तो आप इन्हें भी लगा सकते हो। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा वो है क्रिसमस ट्री यानी कि एरोकेरिया का प्लांट है। आप इनके भी कटिंग आसानी से लगा सकते हैं, बहुत ही कम केयर में चलने वाले ये पौधे होते हैं। तो आप लगाना अगर चाहते हैं तो इनकी छोटी सी इस तरीके से यहाँ से स्टेम लेके सेंट सॉइल में लगा देंगे तो आराम से ये लग जाएगी। तो क्रिसमस ट्री को भी कटिंग से आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट फ्रेंड डेकन वीकिया, और डेकन वीकिया को भी हम आसानी से लगा सकते हैं कटिंग से इस टाइम, और बहुत ही अच्छा चलने वाला वेरीगेटेड ये प्लांट होता है। तो डेकन वीकिया को भी कटिंग से इस टाइम पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है वो है अजवाइन का प्लांट। अजवाइन का प्लांट भी लगाना बिल्कुल ना भूलें, बहुत ही कम टाइम में और कम जगह कम धूप में चलने वाला प्लांट है, तो आप इन्हें भी लगाना ना भूलें, कटिंग से आसानी से लग जाएगी। नेक्स्ट फ्रेंड्स वो है हमारा पर्पल हार्ट। तो इसकी भी कटिंग हम लगा सकते हैं, अभी बहुत ही कम धूप में चलने वाला प्लांट है इंडोर प्लांट। अगर इंडोर लगाना चाहते हैं तो इंडोर भी आसानी से चल जाएगा, तो आप इनकी भी कटिंग अभी लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्लांट है वो है फ्रेंड्स टर्टल वाइन। तो इसकी भी कटिंग आसानी से लगा सकते हैं, इंडोर प्लांट माने जाते हैं ये भी, इंडोर के लिए बेस्ट भी होते हैं, हैंगिंग बास्केट के लिए भी अच्छे होते हैं, तो आप इनको भी कटिंग लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ ऐसे प्लांट जिनकी कटिंग आप अभी इस टाइम पर लगा सकते हैं, और ये पौधे बिना धूप के चलने वाले पौधे होते हैं, तो अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स न्यू वीडियो न्यू प्लांट न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।